वेलकम फ्रेंड्स, आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और वीडियो बनाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि कई बार हम जो अपनी वीडियो में चीज़ को सब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको समझा रहे हैं, तो उसको साथ में फ़ोन स्क्रीन के ऊपर दिखाते भी जाएँ। यानी आप जो कुछ समझाते जाएँगे और साथ में फ़ोन स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाते भी जाएँगे, इस तरह से आप अपने कॉन्टेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको वीडियो मर्जिंग बोलते हैं। ये सब एक आप फ़ोन स्क्रीन के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे एक वीडियो में दूसरी वीडियो जो है वो मर्ज हो जाती है, और आप जो अपना कंटेंट है, जो अपना जो टॉपिक है, जिस वीडियो पे आपने वीडियो बनाई है, उसको आप साथ में समझाते भी जाएंगे और आप साथ में जो स्क्रीन फ़ोन स्क्रीन है उसको अपनी वीडियो में ऐड करके उसको साइड में लगा सकते हैं, और कैसे उसमें दिखाते भी जाएंगे कि आपने किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से अपने फ़ोन में जो जो आप फ़ोन स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना है, और एक दूसरे फ़ोन से अपने फेस स्क्रीन वीडियो को रिकॉर्ड करना है। इस तरह से आप दो वीडियो को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, और आपने वो याद रखना है कि आपने फेस स्क्रीन वीडियो में आपने याद रखना है कि कैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आपने जो वीडियो शूट की है, वो वीडियो जो बनाई है उसमें आपने रिकॉर्ड की है, उसे आपने क्या क्या बताया है, तो वही आपने बोलना है। इस तरह से दोस्तों आपने दो वीडियो को रिकॉर्ड करना है, और दोनों वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है, और बाद में इसने आपने जो भी आप एप्लीकेशन जिसमें आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो, कौन सी भी हो, जैसे मैं काइन मास्टर को यूज़ करती हूँ, तो काइन मास्टर में ही मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इन दोनों वीडियो को कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे अपनी वीडियो में फेस रिकॉर्ड वीडियो में फेस स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो में अपनी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से जो बनाई गई वीडियो फ़ोन स्क्रीन की जो वीडियो उसको कैसे आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आप इसमें फ़ोन स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देखिए कि कैसे जो मैं जो मेरी जो वीडियो जो चल रही है उसमें जो साइड पे जो फ़ोन स्क्रीन की जो फ़ोन स्क्रीन आ रही है उसमें कैसे कैसे जैसे मैं जो कुछ को बोलती जा रही हूँ उस पे जो है वो दिखाया जा रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे मैंने गूगल को ओपन किया है, उसमें किसी चीज़ को मैंने सर्च किया है, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो जैसे ओपन हो गई है, तो आप इजली इसमें बता सकते हैं कि कैसे आप इसमें जो वो इजीली सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपनी जो वीडियो है उसमें आसानी से बता सकते हैं, आपने जो जो बोलना है वही उस स्क्रीन पे दिखाया जाना चाहिए। सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद मीडिया पर सेलेक्ट करें, और जो दो वीडियो आपने बनाई है उसमें से फेस स्क्रीन वीडियो को ले लें। वीडियो को प्ले करके देखें कि आपने कहां पर क्या बोला है, कि चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, यही स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाना है। लेयर क्लिक करें, मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करें, स्क्रीन रिकॉर्डर को सिलेक्ट कर लें, छोटा या बड़ा भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, जो चीज़ आप बोलते जाएंगे वो साथ में अपनी वीडियो में भी दिखता जाएगा। मोबाइल का फ्रेम अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपनी वीडियो में जो है काइन मास्टर की मदद से जो है वीडियो को मर्ज कर सकते हैं, और आप जो फ़ोन स्क्रीन की मदद से जो अपने फ़ोन में लगाना चाहते हैं, फ़ोन में जो शो करना चाहते हैं, अपनी वीडियो में शो करना चाहते हैं, उसकी मदद से आप बता सकते हैं कि जो आप बताना चाहते हैं वही उधर अपने फ़ोन के आपके फ़ोन स्क्रीन में साथ में शो भी हो रहा है। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि मेरी जो अगली नेक्स्ट वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों।